इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है उसकी तैयारी में सीपीआईएमएल जो है वो जुट चुकी है। ये पार्टी जो है महागठबंधन में है। 12 विधायक इसके हैं, झारखंड में भी इस पार्टी के विधायक हैं, देश के कई राज्यों में इस पार्टी का संगठन है। गांधी मैदान में रैली हो रहा है, 1 लाख से ऊपर भीड़ यहाँ पे आई हुई है। इस रैली में आप देखिए भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जो है नजर आ रहे हैं। बिहार में ये पार्टी सरकार में शामिल नहीं है लेकिन सरकार को इस पार्टी का समर्थन है। मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक दल के नेता महबूब आलम, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सत्यदेव राम सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो मंच पर यहां पर मौजूद हैं। देखिए लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली है, ये गांधी मैदान में रैली जो है वो अभी जारी है। बेरोजगारी, महंगाई, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों को MSP, सांप्रदायिक तनाव, इन सब मुद्दों को यहाँ पे उठाया जा रहा है। विपक्ष जो है अब कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश में लग गया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है हल्ला बोल यहाँ पे जारी है। सीपीआईएमएल का आप देखिए पार्टी के तमाम नेता जो हैं यहाँ पे मंच पे नजर आ रहे हैं। 2024 की तैयारी जो है बिहार में पार्टियों ने शुरू कर दी है। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी जो है रैली में पहुंचे हैं। सीपीआईएमएल जो है कहीं ना कहीं ये रैली के जरिए महागठबंधन पर भी दबाव बनाने की कोशिश में है। पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन एक तरह से भी किया गया है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सीट जो है लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में दिया जाए लड़ने के लिए। विधायक दल के नेता महबूब आलम हमारे साथ है, महबूब आलम से हम बात करेंगे। महबूब आलम जी, रैली में भारी भीड़ जुटी है। ये भारी भीड़ इस बात का तकाजा है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी का जो NDA का गठबंधन है जिस तरह से उस गठबंधन से अलग करने में कामयाब हो चुकी है और पूरे देश में गठबंधन होगा और नरेंद्र मोदी की फांसीवादी तानाशाही सरकार की राजनीति का कवर खोदने की शुरुआत है ये भारी भीड़। अच्छा, जो विपक्ष एकजुट होगा तो लीड कौन करेंगे, राहुल गांधी की नीति? अरे ये लीड तैयार हो जाएगा। हम मानते हैं कि भारत की जनता के पास एक से एक बौद्धिक संपदा मौजूद है। हम एक नपुंसक, एक नकारा आदमी को लेकर चलने वाले नहीं है। जनता तय कर लेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक फांसीवादी सरकार जो संविधान के खिलाफ साजिश कर रहा है, जो कॉरपोरेट घराने की दलाली कर रहा है, जो जुडिशियरी को हथियाना चाहता है, उसके खिलाफ हम एकजुटता हम बना रहे हैं और उनकी निर्णायक शिकस्त के साथ साथ नेता बन जाएगा। मुद्दा आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? तो ये थे महबूब आलम जो है हमसे बात कर रहे थे, बोले थे कि सभी विपक्षी दल जो है एकजुट होंगे। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी मंच पर मौजूद है। सर, भीड़ काफी आई है, क्या संदेश देने की कोशिश है? संदेश देने की कोई कोशिश नहीं है, संदेश लेकर के लोग आए हैं और लोग संदेश दे रहे हैं। ये नारे की ताकत है। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज जब लोकतंत्र खतरे में है, बिहार गरीबों का प्रदेश है, लोकतंत्र की जरूरत सबसे ज्यादा गरीबों को है। अमीर लोग लोकतंत्र को सोचते हैं कि हम खरीद लेंगे और बिहार लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष का प्रदेश है। हमें लगता है कि ये तैयारी बिहार की है और माले की रैली हमें लगता है कि पूरे देश में आज ये भरोसा जगाने का काम करेगी कि अगर हमला तेज हो रहा है लोकतंत्र पर, संविधान पर, तो उसकी रक्षा करने के लिए ताकत भी मजबूत हो रही है और तैयारी भी तेज हो रही है। कांग्रेस कहती है कि राहुल ही वो नेता है जो मोदी के आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं। अखिलेश सिंह बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। तो आप लोग का राष्ट्रीय स्तर पे लीडर कौन होगा विपक्ष का? नीतीश कुमार भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, तो राहुल टक्कर देंगे मोदी को या नीतीश के नेतृत्व में आप लोग एकजुट होंगे? हमें लगता है कि ये कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि एक पार्टी, एक नेता, एक विचार, एक कंपनी, ये सब एक वाला मामला भारतीय जनता पार्टी का है। और भारत जो है इतना विशाल है, इतना विविध है, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम, तो बहुदल मतलब बहुदल के बहुत सारे नेता, तो हमें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब समय आएगा कोई एक नेता प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आप देख रहे होंगे हत्याओं का दौर चल रहा है। उधर जो कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सब नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उन लोग से वादा किया गया था कि महागठबंधन सरकार बनी तो उनकी नियुक्ति होगी, लेकिन हो नहीं रही है। सड़क पे लोग आवाज उठाते हैं तो लाठी से मारा जाता है। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो आंदोलन है, इसलिए हमने ये तय किया कि हमारी मुख्य भूमिका आंदोलन में है, चाहे वो नियुक्ति का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो,
क्वेश्चन पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा के विलंब के खिलाफ, छात्रों का सवाल हो हर सवाल पर, या उजाड़ने के खिलाफ गरीबों की लड़ाई हो, तो लड़ाई तो जमीन पर रहेगी और लड़ाई की ही ताकत है जिससे हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि नीतियों में बदलाव आए और लोगों को न्याय मिले। मेरा आखिरी सवाल, क्या आप मांग करेंगे सीएम नीतीश से कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि ये सवाल है। महागठबंधन के अंदर भी जो कुछ भी वादा किया गया था वो वादा लागू हो, जनता को वो मिले, और निश्चित तौर पर सरकार को ये देखना ही होगा। नीतीश जी के लोग नारा देते थे सुशासन का, और इसलिए सुशासन में अगर कानून की धज्जियां उड़े, अगर अपराध की घटना बढ़े, अगर पुलिस का दमन तेज हो, तो निश्चित तौर पर वो अच्छी बात नहीं होगी, और इसीलिए महागठबंधन के अंदर भी तमाम बातों पर चर्चा हो रही है और होगी। तो ये थे दीपांकर भट्टाचार्य, CPIML के राष्ट्रीय महासचिव थे, हमसे बात कर रहे थे। इसके पहले महबूब आलम जो है उन्होंने हमसे बातचीत की रैली पे, विपक्षी एकजुटता पे, महागठबंधन सरकार पर ये लोग अपनी राय रख रहे थे। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP News, पटना।